Hello everyone, welcome to Edufun Day. I am your mentor of physics and we are going to start a new topic of motion in a plane which is projectile. तो motion in plane में आज हम लोग बात करेंगे projectile motion की. तो चलिए शुरू करते हैं. Projectile, a body which move in a two-dimensional plane in the gravitational field of the earth is called a projectile. तो देखिए projectile जो है एक two-dimensional motion है जिसमें एक बॉडी जो है टू डायमेंशनल में मूव करेगी और उसमें वो अंडरगो होगी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में, यानी कि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम करेगा. एग्जांपल्स ऑफ प्रोजेक्टाइल अगर हम लोग देखें तो एक क्रिकेट बॉल थ्रोन बाय ए प्लेयर नॉट रोलिंग ऑन द ग्राउंड, कि एक बॉल जो क्रिकेट बॉल को एक बॉलर या एक फील्डर जो है जब थ्रो करते हुए उस बॉल को फेंकता है तो वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जाम्पल. अगर या फिर बॉलर बॉल फेंकते हुए जो डिलीवरी करता है बॉल की, तो वहां पर जो बॉल मोशन करती है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन. एन एथलीट टेकिंग लॉन्ग जंप और हाई जंप, जब कोई एथलीट लॉन्ग जंप या हाई जंप लेता है, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन. ए बॉम्ब ड्रॉप्ड एन एरोप्लेन फ्लाइंग एट सम हाइट, कि जब एक किसी हाइट पर एक एरोप्लेन उड़ रही है और वो जो बॉम्ब ड्रॉप करती है तो वो बॉम्ब जब जमीन पे या कहीं पे भी आके गिरेगा तो वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए आके गिरेगा. इस तरीके से कि मान लीजिए कि एरोप्लेन ने इस सिचुएशन पे बॉम्ब को ड्रॉप किया तो वो एरोप्लेन यहाँ और यहाँ अलग अलग अपनी पोजीशन चेंज करती रहेगी, लेकिन इस एरोप्लेन तो हॉरिजॉन्टली चलेगी लेकिन जो बॉम्ब गिरेगा ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में और ग्रेविटेशनल फील्ड के अंडर क्या करेगा, ये मोशन करेगा. तो इस टाइप के मोशन को क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन. यहाँ पर आप आराम से देख सकते हो कि फिर जो बॉम्ब है ये वी एक्स और वी वाई यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है. तो ये एक एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल मोशन का. सो एग्जांपल्स फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग देख सकते हैं कि जिस तरीके से एक तोप से ये आदमी इस यहाँ पर निकला तो ये जिस तरीके से ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरफ क्या किया, इसने मोशन किया, तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन. मैन फायर्ड फ्रॉम कैनन इन ओल्डन डेज, जिस तरीके से ओल्डन डेज में ये जिस तरीके से कैनन से मैन फ्लाई ये फायर किया गया तो ये भी एग्जाम्पल किसका हुआ, प्रोजेक्टाइल मोशन का. या इस तरीके से देखा जाए कि यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट फेंकी गई इस बस से और वो वापस इसमें ही आके गिर गई तो ये भी एक एग्जाम्पल है इसका, प्रोजेक्टाइल मोशन का, जिसके जिसमें इस बॉल ने हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों मोशन की. ए बॉडी थ्रोइंग ए बॉल इन ए प्रोजेक्टाइल मोशन, जिस तरीके से यहाँ पर देखिए कि ये इस कंडीशन में क्या हुआ, इसने सीधी सीधी बॉल पटक दी लेकिन यहाँ पर देखिए ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए बॉल गिर रही है. टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल्स, वी आर गोइंग टू स्टडी प्रोजेक्टाइल मोशन इन टू सेपरेट केसेस, हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन को दो अलग अलग केसेस में पढ़ने वाले हैं. पहला ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, दूसरा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल क्या होता है. देखिए ए बॉडी प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा लेकिन डजंट इक्वल टू 90 डिग्री और 0 डिग्री हॉरिजॉन्टली एंड मूविंग ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड एन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल. देखिए ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल क्या होता है, जब एक बॉल को किसी एंगल थीटा पे हम लोग प्रोजेक्ट करें लेकिन वो एंगल थीटा जो है उसकी वैल्यू 90 डिग्री या 0 डिग्री के इक्वल नहीं होनी चाहिए, तो वो हॉरिजॉन्टली जब हम लोग ने इसको थ्रो किया तो ये एक ग्रेविटेशन फोर्स के अंडर उसके इन्फ्लुएंस में क्या करेगी, मूव करेगी. तो इस तरह की मोशन को क्या कहेंगे हम लोग, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल. ठीक है, नाउ एग्जांपल देखें हम लोग ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का. तो एक क्रिकेट बॉल जो एक बॉलर बॉल को फेंकता है, दैट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल. एन एथलीट टेकिंग लॉन्ग जंप और हाई जंप, तो ये भी एग्जांपल है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का. द ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज ए पैराबोला, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन की जो ट्रेजेक्ट्री हम लोग ड्रॉ करेंगे वो एक पैराबोला की तरह ड्रॉ करेंगे. तो ये यहाँ पर देखने को ये जो शेप बन रही है यू पर, यानी कि किसी एंगल से हम लोगों ने इनिशियल वेलोसिटी देकर कुछ पार्टिकल को फेंका तो वो इसी तरीके से मोशन करता हुआ नीचे आएगा. तो आप इसको देख सकते हैं कि एक पैराबोला की फॉर्म यहाँ पर बन रही है. यहाँ पर थीटा की वैल्यू जो है वो लेस देन 90 डिग्री है. अगर इस यू के दो कॉम्पोनेंट को देखिए, यू एक वेलोसिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, अगर वेक्टर के दो कॉम्पोनेंट करूँ तो एक कंपोनेंट तो हो जाएगा u cos थीटा हॉरिजॉन्टली x एक्सिस पे अलोंग x एक्सिस और एक कंपोनेंट हो जाएगा वर्टिकली y एक्सिस पे दैट इज u sin थीटा. ये दो कंपोनेंट है वेलोसिटी वेक्टर के.
जिसमें हॉरिजेंटल जो कंपोनेंट है यू कोस थीटा उसको वीएक्स से रिप्रेजेंट किया गया और वर्टिकल कंपोनेंट को वीवाई यू साइन थीटा से रिप्रेजेंट किया गया। और अगर देखा जाए तो इनका जो रिजल्टेंट है या फिर इन कंपोनेंट से जो रिजल्टेंट वी आ रहा है वीएक्स से अल्फा एंगल बना रहा है और यू कोस थीटा जो है वो वीएक्स के इक्वल होगी और वीवाई के जो होगा डाउनवर्ड और वीएक्स और वी के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज अल्फा। और ये जो हाइट है दिस इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी कि वो किस मैक्सिमम हाइट तक गया दैट इज दिस। और यहां से ओरिजिन से फेंकने पर वो मैक्सिमम जितनी डिस्टेंस पे जाके गिरेगा इसको बोलेंगे रेंज आर। नाउ कंसीडर ए बॉडी प्रोजेक्टेड इनटू एयर विद एन इनिशियल वेलोसिटी यू मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। तो जैसा हम लोगों ने डायग्राम में देखा, हम लोगों ने एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया इनिशियल वेलोसिटी यू से जो कि हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है। इनिशियल वेलोसिटी यू कैन बी रिजॉल्व इन टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, जो ये वेलोसिटी इसको हम लोग टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हम लोग डिवाइड करेंगे। हॉरिजॉन्टल मोशन विद जीरो एक्सेलरेशन, जब हॉरिजॉन्टल मोशन की हम लोग बात करेंगे तो ये जीरो एक्सेलरेशन पे काम करेगी और इसको हम लोगों ने इस कंपोनेंट को बोला यू कोस थीटा। रिमेंस कॉन्स्टेंट क्योंकि जीरो एक्सेलरेशन है तो ये क्या करेगी, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, यानी ये पूरी जर्नी के दौरान क्या होगी कॉन्स्टेंट होगी। अगर यहीं पे हम लोग बात करें वर्टिकल मोशन की विद कॉन्स्टेंट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, तो वर्टिकल मोशन में हम लोगों ने बात की थी कि ये ग्रेविटेशन फील्ड के अंडर को काम करेगा, यानी कि इस पर एक वर्टिकली डाउनवर्ड एक्सेलरेशन लगेगा, यानी कि इसकी जो वर्टिकली वेलोसिटी होगी इसको हम लोग यू साइन थीटा बोलेंगे। और ये क्या करेगी, क्योंकि इस पर एक डाउनवर्ड एक्सेलरेशन काम कर रहा है तो ये टाइम के अनुसार क्या होगी चेंज होगी ड्यू टू दैट एक्सेलरेशन। लेट द प्रोजेक्टाइल बी एट द पॉइंट पी एक्स वाई आफ्टर टाइम टी, एक्स एंड वाई आर द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम। देखिए इसने क्या बोला कि प्रोजेक्टाइल जो है किसी टाइम टी पर एक्स वाई पॉइंट पर है, जहां पर एक्स जो है हॉरिजॉन्टल पोजीशन आ गई और वाई जो है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पोजीशन आ गई। अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देखिए तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एक्स जो होगा, देखिए डिस्प्लेसमेंट जो होगी जो डिस्टेंस होगी वो होगी वेलोसिटी इनटू टाइम, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है यू कोस थीटा, टाइम टी हमने लिया तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ गई यू कोस थीटा टी। तो यहां से अगर हम लोग टी फाइंड आउट करेंगे तो टी आ जाएगा एक्स अपॉन यू कोस थीटा एंड दिस इज अवर इक्वेशन। सिमिलरली अगर अलोंग वर्टिकल हम लोग बात करेंगे तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी काम कर रहा है सो और जो कि कॉन्स्टेंट है, तो इसके लिए हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए यूज लेते हैं वो हम लोग लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग वाई कॉम्पोनेंट या वर्टिकल कॉम्पोनेंट की बात करें तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए जो वेलोसिटी हम लोग लेंगे वो वर्टिकल कॉम्पोनेंट लेंगे, यानी वी ut की जगह पे आ जाएगा u sin theta t minus half gt square। ये क्या हो गया वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें इक्वेशन 1 से t की वैल्यू अगर हम लोग रखेंगे तो यहां पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी u sin theta, t की वैल्यू x upon u cos theta minus half g x upon u cos theta square। तो यहां पर t को से u cos theta हमने रखा तो इस तरीके से हमारे पास इक्वेशन आई, जिसको आगे सोल्व करने पर देखिए u sin theta upon u cos theta से तो हो गया ये tan theta, u से u कट गया तो y = tan theta x minus g 2u square cos square theta x square। ये आ गई हमारे पास एक इक्वेशन जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं y equals to ax minus b x square से। तो ये एक पैराबोला की इक्वेशन है, इसको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी बोलेंगे। यहाँ पर a की वैल्यू जो है tan theta के इक्वल है और b की वैल्यू इक्वल है g upon 2u square cos square theta के। Thus the trajectory of the projectile is a parabola, यानी कि इस तरीके की ये जो ट्रेजेक्टरी है बन रही है प्रोजेक्टाइल की, इसको ही हम लोग क्या बोलेंगे पैराबोला। एक तरीके से पैराबोला ही शो कर रही है इक्वेशन। यहाँ पर बोला गया है a और b कांस्टेंट है, ओरिजिन की वैल्यू tan थीटा और g अपॉन 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा है रेस्पेक्टिवली। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग एडुफन डे।